दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप का लास्ट डेट जरूर से जरूर बढ़ना चाहिए। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको यूपी स्कॉलरशिप के लास्ट डेट के अपडेट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसको बढ़ना चाहिए। दोस्तों आप कमेंट करिएगा इसको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। मैं मान रहा हूँ कि यूपी सरकार ने इसका जो लास्ट डेट था सीधे जुलाई से नवंबर तक रखा, यानी 4 महीने तक रखा, लेकिन इसमें कंडीशंस ये आता है कि जो मार्कशीट जो नहीं आया था, जिसमें मार्कशीट ना आने की वजह से बहुत सारे पेंडिंग की वजह से मार्कशीट नहीं आया, उसकी वजह से एडमिशंस नहीं हुआ, इसमें बच्चों का क्या कसूर है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप भी कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, इसमें बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे तो अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन उनका जब मार्कशीट ही नहीं आया और एडमिशन ही नहीं हुआ तो अपना फॉर्म कैसे भरवाएंगे? इस सवाल को लेकर बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। क्या इस बार उनका स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाएगा? क्या इस बार वो अधूरे रह जाएंगे? क्या इस बार उनको लाभ नहीं मिलेगा? ये बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। जितने भी बच्चे अभी तक छूटे हैं, अभी तक स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि स्कॉलरशिप का डेट बढ़ाया जाए, ताकि ये वीडियो वायरल हो और लोगों तक पहुंचे। और जब ये लोगों तक पहुंचेगा, सरकार के पास जाएगी, सूचना मिलेगी लेटेस्ट अपडेट की न्यूज़ की तरफ, तो इस ज़रूर से ज़रूर स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा, क्योंकि 7 तारीख से बंद हुआ स्कॉलरशिप का डेट। इतना ज़्यादा डेट नवंबर लास्ट बीत गया, लेकिन अभी तक कुछ भी अपडेट क्यों नहीं मिला? कुछ भी अपडेट तो मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा या कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कुछ तो अपडेट देना चाहिए था। इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि आपका भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।